भारत के मुकुट जम्मू व कश्मीर के जम्मू संभाग में बसा डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़, जिसे लैंड ऑफ सैफ्रॉन एंड सैफायर के नाम से भी जाना जाता है। विश्व का हाई क्वालिटी का केसर हो या फिर गहरे नीले रंग वाला नीलम यानी ब्लू सफायर, दोनों ही किश्तवाड़ की पावन धरती पर पाए जाते हैं और विश्व भर में इनकी मांग है। किश्तवाड़ अपनी प्राकृतिक सुंदरता व ऊंची ऊंची चोटियों के लिए देश के साथ साथ विदेश में भी बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में कई स्थल आकर्षण का केंद्र है, जिसमें तहसील दच्छन, माड़वा, वड़वन, पाडर, द्राबशाला व छात्रु जैसे स्थानों पर अलग अलग मनमोहक दृश्य देखने को मिलेंगे। किश्तवाड़ की तहसील दच्छन प्राकृतिक सौंदर्य और आस्था का मुख्य केंद्र है। हर साल दच्छन में हुद माता त्रिसंध्या यात्रा जून के पावन महीने में शुरू हो जाती है। हुद माता की छड़ी जम्मू के डिस्ट्रिक्ट कठुआ से शुरू होती है और डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के सरकूट मंदिर से होते हुए दक्षिण के सौंदर दिलगुट, गोगुट व कायकूट होते हुए हुद माता के मंदिर तक पहुंचती है। हुद माता का मंदिर एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जहां हुद माता पिंडी रूप में विराजमान है। साथ ही पिंडी के चरणों से चरणामृत की धारा भी बहती है। हुद माता मंदिर के साथ में ही माता की गर्भयोनी भी है और गर्भयोनी के साथ में ही ऐतिहासिक शिव गुफा भी मौजूद है। हुद माता मंदिर से कुछ पलों की दूरी पर एक चमत्कारी पानी की धारा भी बहती है, जिस धारा का नाम त्रिसंध्या है। त्रिसंध्या धारा दिन में सिर्फ 3 ही बार बहती है और बहुत ही भाग्यशाली श्रद्धालुओं को त्रिसंध्या के दर्शन मिलते हैं। त्रिसंध्या धारा रहस्यमय तरीके से उत्पन्न होती है और रहस्यमय तरीके से ही त्रिसंध्या धारा अपने ही धारा के विपरीत दिशा में विलुप्त हो जाती है। खुद माता त्रिसंध्या यात्रा के दौरान खुद माता कमेटी के द्वारा यात्रियों की हर सुविधा का ध्यान रखा जाता है। जगह जगह पर लंगर, रहन बसेरे और अनेकों सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाता है। खुद माता कमेटी और गाँव के निवासियों द्वारा यात्रियों का स्वागत सेवा भाव से किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ द्वारा भी यात्रियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य व अन्य प्रकार की सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है। नमस्कार, मैं नेहा हूँ, मैं जम्मू से आई हूँ। इस टाइम हम जम्मू डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में दक्षिण वैली पे हैं। आप जैसे देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत खूबसूरत वादियाँ हैं, बहुत खूबसूरत पीक्स हैं। पीछे माउंट ईगर है, माउंट तारपारन है, यहाँ पे इतने सुंदर ग्लेशियर्स हैं। यहाँ पे हुद माता की यात्रा भी होती है। यहाँ पे हर टाइम यहाँ पे कठुआ ज़िले से, जम्मू ज़िले से यहाँ पे यात्री आते हैं, दो होकर माता के दर्शन करने आते हैं। मेरा आप सभी से यही निवेदन है, आप भी आएं, माता के दर्शन करिए, अपना यहाँ पे नेचर को एक्सप्लोर करिए, यहाँ के बहुत आनंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। आप खुद माता यात्रा के साथ साथ दक्षिण वैली अपने ट्रैक्स के लिए भी लोकप्रिय है, जिसमें ब्रह्मा वैली का ट्रैक ट्रैकिंग का शौक रखने वाले ट्रैकर्स का फेवरेट ट्रैक है। लोकल ट्रैक लीडर्स, टूर गाइड्स, ट्रेवल गाइड्स के साथ मिलकर इंडिया हाइक्स कंपनी दक्षिण वैली में कई ट्रैक्स ऑर्गेनाइज करवाती है और ट्रैकिंग रोड पर मिलने वाला कचरा ट्रैकर साफ करके प्राकृतिक सौंदर्य बनाए रखते हैं और स्वच्छ भारत के उद्देश्य का पालन करते हैं। सबको नमस्कार, मेरा नाम है बिज्जू और मैं कर्नाटका से, अभी मैं हूँ किश्तवाड़ रीजन पे ट्रैक के ले करने के लिए आया। हम लोग 2 दिन से ब्रह्मा वैली ट्रैक कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया ट्रैक है, क्योंकि पहला 2 दिन तो इतना सुंदर फॉरेस्ट दिखते, आपको पाइन फॉरेस्ट दिखते, मेपल, दियोदार, ये सब कुछ दिखते। उसके बाद पूरा वैली ओपन हो जाएगा, तब दिखेगा आपका पूरा ब्रह्मा वैली का व्यू। पीछे है एक तरपारण है, वो भी अभी तक अल्पिन ग्लो दिख रहा था। और सबसे बढ़िया ट्रैक है, बहुत सेफ भी है और बहुत ही बढ़िया ट्रैक है, अभी तक मेरा ये फेवरेट है। मैं सबको बोल रहा हूँ, आप ही आ जाओ किश्तवाड़ रीजन को एक्सप्लोर करो। दक्षिण रीजन बहुत ही बढ़िया सुंदर है, यहाँ का कल्चर, पेड़, ट्रीज या पीक्स बहुत बढ़िया है। सबको इनवाइट मैं भी करता हूँ। पर्वत आरोहियों के लिए भी डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की ऊंची ऊंची चोटियां आकर्षण का केंद्र सदियों से बनी हुई है। माउंट सिकल मून, ब्रह्मा, सरस्वती, अर्जुना जैसी ऊंची ऊंची चोटियां विश्व की हाईएस्ट पीक्स की लिस्ट में अपनी जगह बनाए हुए हैं। पीक्स की हाइट 6000 मीटर से ज्यादा होने के कारण देश व विदेश से प्रसिद्ध ट्रैकिंग एंड हाइकिंग कंपनीज व फेमस माउंटेनियर्स इन पीक्स का सबमिट करने के लिए किश्तवाड़ आते हैं।
सन 1973 में किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की ब्रह्मा पीक्स पर पहला सम्मिट इंग्लैंड के पर्वत आरोहियों द्वारा किया गया था और उसके बाद किश्तवाड़ की अलग अलग चोटियों पर कई पर्वत आरोहियों ने समिट्स किए। सन 2011 में विश्व प्रसिद्ध पर्वत आरोही डेविड लामा द्वारा किश्तवाड़ की सैरो पीक का समिट किया गया था। 18 जुलाई 2023 को ब्रह्मा वन पीक पर पहली बार भारतीय पर्वत आरोहियों द्वारा समिट किया गया। सोनारपुर आरोही क्लब वेस्ट बंगाल के माउंटेनियर्स ने यह ऐतिहासिक उपलब्धि 18 जुलाई 2023 को हासिल की। सन 1973 के बाद लगभग 50 साल बाद और इतिहास में पहली बार भारत के पर्वतारोहियों ने सुनहरे अक्षरों में इतिहास लिख डाला। इतने सारे ऊंचे पर्वत और अलौकिक प्राकृतिक सुंदरता के कारण किश्तवाड़ वैली को ट्रैकर्स पैराडाइज भी कहा जाता है। यह भूमि है आस्था की, यह भूमि है सौंदर्य की, यह भूमि है ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की, यह भूमि है इतिहास की, यह गाथा है किश्तवाड़ की।